लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आयकर विभाग की टीम से अभद्रता की गई है, लखनऊ से खबर। गंगा अपार्टमेंट में छापे मारने गई थी आयकर टीम और वहां पर अभद्रता की गई। गोमती नगर में छापा मारने के दौरान की गई थी अभद्रता। छह नामजद समेत सात लोगों पर दर्ज कराया गया है केस। आयकर की टीम से अभद्रता पर मुकदमा दर्ज किया गया। छापेमारे के दौरान टीम से अभद्रता व मारपीट की गई। गोमती नगर में छापेमारे के दौरान की गई थी अभद्रता। छह नामजद समेत सात लोगों पर दर्ज कराया गया है केस। लखनऊ से खबर, जहां पर आयकर विभाग की टीम से की गई अभद्रता। गंगा अपार्टमेंट में छापे मारे गई थी आयकर टीम, आपको बता दें। मारपीट व अभद्रता की गई। गोमती नगर में छापा मारने के दौरान की गई थी अभद्रता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर आयकर विभाग के साथ अभद्रता की गई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम जो है गोमती नगर विस्तार में गंगा अपार्टमेंट में छापेमारी करने के लिए 22 जुलाई को पहुंची थी, जहां पे 22 जुलाई के दौरान जो है जब छापेमारी कर रही थी वहां से लोगों ने उनसे जो है अभद्रता का व्यवहार किया और उनसे कई तरह से मारपीट और गाली गलौज जैसी सामने बातें निकलती आई है, जिसको लेकर सहायक जो आयुक्त है सिद्धार्थ कुमार ने वो छह नामजद लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया है गोमती नगर विस्तार थाने में। और आयकर की टीम की तरफ से तहरीर दी गई है, उसमें जो है संगम सिंह, अनिमेश त्रिपाठी और अमित सिंह, इंद्र भूषण साही और सुपरवाइजर एएन पांडे, सुहानी पांडे और एक अज्ञात के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराया है। हालांकि आयकर की टीम छापेमारी जब करने पहुंची थी तो वहां पे जो लोग थे वो उन्हें मना कर रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो जब आयकर की टीम ने अपना परिचय देते हुए उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो वो लोग गाली गलौज पे उतारा और वहां पे धक्का मुक्की भी होने लगी। ऐसे में जब अभद्रता तेज बढ़ गई तो वहां की जो लोकल पुलिस थी उसको वहां पर फौरन बुलाया गया और उसके बाद से जो है बातचीत की गई। लेकिन साफ तौर पर जब अपार्टमेंट के अंदर जब प्रवेश कर रहे थे जी तभी उनसे धक्का मुक्की की गई। इसको लेकर जो सहायक आयकर आयुक्त थे उन्होंने जो है मुकदमा जी बिल्कुल संदीप जी, कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना है और ऐसे ही जिस तरीके से किया गया और मुकदमा भी दर्ज हो गया, देखते क्या कुछ कार्रवाई होती। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ। गंगा अपार्टमेंट में छापे मारने गई थी आयकर टीम।